जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश शुगानी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं क्लास सी। अगर आपको क्लास ए क्लास बी समझ में आ गया है तो क्लास सी का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एज इट है क्लास ए और क्लास बी की तरह, बस थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। तो गाइस, क्लास सी के अंदर कितने ऑक्टेट्स जो है वो रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए, कितने जो ऑक्टेट्स रिजर्व होते हैं होस्ट के लिए। तो गाइस, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी आईपी आती है क्लास सी के अंदर, उसके तीन पार्ट, तीन ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड और एक ऑक्टेट होता है होस्ट के लिए रिजर्व्ड। जिससे हमने क्लास सी के अंदर देखा था, तो उसके अंदर एक जो है वो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व था। क्लास बी के अंदर दो ऑक्टेट जो वो नेटवर्क के लिए रिजर्व थे, लेकिन सी के अंदर क्या है, तीन ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड हैं, एक है होस्ट के लिए। ठीक है गाइस, मैंने अब क्या करा है, जस्ट इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दी है हर एक ऑक्टेट की। हर एक ऑक्टेट के अंदर टोटल एड बिट आते हैं, इसलिए मैंने एट एड बिट करके ये रिप्रेजेंटेशन लिख दी है। लेकिन मैंने ऑक्टेट फर्स्ट ऑक्टेट में मैंने क्या लिखा है, नेटवर्क वाले फर्स्ट ऑक्टेट में 110 रेड कलर से स्पॉट कर दिया, ये मैंने लिखा है इसका रिजर्व्ड बिट्स। गाइस, क्लास सी के अंदर तीन होती हैं रिजर्व बिट्स, कौन कौन सी, 110 पहला जो नेटवर्क होता है, पहला जो ऑक्टेट होता है उसका जो नेटवर्क होता है उसके तीन बिट्स, शुरू वाले तीन बिट्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। जैसे क्लास ए के अंदर एक बिट रिजर्व थी, क्लास बी के अंदर दो बिट रिजर्व थे, क्लास सी के अंदर तीन बिट रिजर्व्ड है। सही है गाइस, अब हम क्या क्या सीखने वाले हैं कि क्लास सी के अंदर रिजर्व बिट्स कितने हैं, क्लास सी की रेंज क्या है, कौन सी आईपी है जो क्लास सी के अंदर आ सकती है, क्लास सी के अंदर जो कितने नेटवर्क के लिए बिट रिजर्व्ड हैं, कितने होस्ट के लिए बिट्स रिजर्व्ड हैं, कितने नेटवर्क बन सकते हैं क्लास सी के अंदर, कितने जो है वो होस्ट बन सकते हैं क्लास सी के अंदर, कितने यूजेबल होस्ट बन सकते हैं क्लास सी के अंदर, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, क्लास सी के अंदर रिजर्व बिट्स कितने, तीन है, 110। सही है गाइस, अब आती है रेंज की बात। रेंज क्या है क्लास सी की, 192 से लेकर 223 तक जो भी हमारे पास आईपी आएगी, अगर उसका जो वैल्यू है, उसका जो नंबर है पहले ऑक्टेट का, वो 192 से लेकर 223 के बीच में आ रहा है, तो मतलब क्या, उसका हमारी जो आईपी एड्रेस है वो क्लास सी के अंदर लाई कर रही है। सही है गाइस, अब बात आती है साइज़ ऑफ नेटवर्क इन बिट्स। तो गाइस, नेटवर्क के लिए क्लास सी के अंदर कितने ऑक्टेट रिजर्व्ड हैं, तीन ऑक्टेट रिजर्व्ड हैं। कितने गाइस, तीन ऑक्टेट रिजर्व्ड हैं, हर एक ऑक्टेट के अंदर एड बिट आते हैं। सही है गाइस, टोटल कितने हो गए, 24 हो गए, तो मतलब 24 जो वो नेटवर्क के लिए बिट रिजर्व्ड हैं। और होस्ट के लिए कितने ऑक्टेट रिजर्व्ड हैं, एक ऑक्टेट रिजर्व्ड है, मतलब उसके अंदर बिट्स कितने आते हैं, एट बिट आते हैं, तो मतलब एट बिट रिजर्व्ड हैं होस्ट के लिए। साइज ऑफ होस्ट क्या हो गई, एट बिट हो गई। सही है गाइस, अब कितने नेटवर्क बन सकते हैं क्लास सी के अंदर। सही गाइस, क्लास सी के अंदर टोटल कितने बिट्स हैं, 24 बिट्स हैं, उनमें से तीन क्या है, रिजर्व बिट्स हैं, जो कहीं भी यूज़ नहीं होती। क्लास बी के अंदर भी यही था, क्लास ए के अंदर भी यही था। ठीक है गाइस, तीन बिट्स जो है कहीं भी यूज़ नहीं होंगी, बाकी हैं कितने बची, पाँच और आठ इसकी और आठ इसकी, टोटल कितने हो गए, आठ आठ सोलह, सोलह और पाँच 21 हो गए, मतलब 2 की पावर 21। नंबर ऑफ होस्ट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 21। 2 क्यों लगते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 के बेस पे करते हैं। तो गाइस, 2 की पावर 24 नंबर ऑफ नेटवर्क्स बन सकते हैं, इतने नेटवर्क्स बन सकते हैं। इसका जो भी रिजल्ट आता है ना, आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा 2 की पावर 24, जितने भी रिजल्ट आएगा, जो भी जॉब आएगा, उतने नेटवर्क बन सकते हैं क्लास सी के अंदर। अब आते हैं होस्ट। तो गाइस, होस्ट कितने बन सकते हैं, होस्ट वाला तो बिल्कुल ईजी है, होस्ट के लिए एक ही ऑक्टेट रिजर्व्ड है, ठीक है, मतलब 8 बिट हैं। तो क्या होगा गाइस, 2 की पावर 8 होगा, कितने हो गए, 2 की पावर 8। और यूज्ड होस्ट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 8 माइनस 2। माइनस 2 क्यों करते हैं, ये आपको गाइस पता है, क्योंकि पहला जो आईडी होता है वो नेटवर्क आईडी होता है, लास्ट वाला जो होता है ब्रॉडकास्ट आईडी, वो कहीं भी यूज़ नहीं होता। तो हमारे यहाँ यूजेबल होस्ट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 8 माइनस 2। अब गाइस, हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं, बिल्कुल डिटेल में सीखते हैं। हमारे पास एक आईपी हमें मिली हुई है, क्या है, 206.2.12.8। गाइस, हमारे पास आईपी मिली हुई है, हमें फाइंड क्या करना है, इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, इसका सबनेट मास्क क्या होगा। सही है गाइस,
अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो आईपी हमें मिली हुई है ये किस क्लास से बिलोंग करती है, क्लास ए से तो नहीं बिलोंग करती, क्लास बी से तो नहीं बिलोंग करती, या क्लास सी से बिलोंग करती है। जो भी जिस सी क्लास से बिलोंग करती है ना वो हमें फाइंड करना है, ठीक है गाइज। अब देखेंगे जो ये इसका पहला ऑक्टेट है जिसको मैंने रेड कलर में स्पॉट कर दिया, 206 किस रेंज में लाए करता है, 192 और 223 के बीच में कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, यह जो हमारे पास आईपी गिवन है ये क्लास सी से बिलोंग करती है। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क आईडी इसकी क्या बन सकती है, ठीक है गाइस। तो नेटवर्क आईडी किस तरह बनाते हैं, जो भी होस्ट पार्ट होते हैं उनको हम जीरो कर देते हैं। तो हमारे पास गाइस क्या है, होस्ट का पार्ट है ही एक, ठीक है, एट है, एट जो है ना वो होस्ट का पार्ट है, तो उनको मैंने जीरो कर दिया। बाकी तीन जो थे ऑक्टेट वो क्या थे, नेटवर्क के थे, वो मैंने एज इट छोड़ दिए। तो ये इसकी बन गई नेटवर्क आईडी। अब आती है ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी में हम क्या करते हैं, जो होस्ट के पार्ट होते हैं ना उनको हम 255 कर देते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं। तो गाइस इसका होस्ट का पार्ट था ही एक, उसको मैंने 255 कर दिया, तो ये इसका क्या बन गया, ब्रॉडकास्ट आईडी। असल में जो लास्ट वाली आईडी होती है ना उनको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, जो पहले वाली होती है उसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। अब हम फाइंड करते हैं सबनेट मास्क। तो गाइस सबनेट मास्क क्या बनेगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्लास ए में क्लास बी में जितने भी नेटवर्क के पार्ट होते हैं, जितने भी नेटवर्क के ऑक्टेट होते हैं, उन सबको आप 255 कर दो, मतलब मैक्सिमम कर दो। जो होस्ट के होते हैं उनको जीरो कर दो, वो बन जाता है आपका सबनेट मास्क। ये असल में होता है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, सही है गाइस। तो ये क्लास सी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0। तो ये हो गया क्लास सी का सबनेट मास्क। गाइस मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मैंने वहाँ माइनस टू क्यों लिखा था, क्योंकि जो पहला आईडी होता है वो नेटवर्क आईडी होता है, लास्ट वाला जो होता है ब्रॉडकास्ट आईडी होता है, ये दोनों यूज़ नहीं होते कहीं भी, इसलिए हम इसको कहते हैं 2.@-2 यूजेबल होस्ट क्लास सी के अंदर बन सकती हैं या होती हैं। तो गाइस आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा, किसी एग्ज़ाम में, किसी टेस्ट में, किसी इंटरव्यू में, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको सब समझा दिए कि इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, इसका नेटवर्क आईडी क्या होगी, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, इसकी रेंज क्या है, इसके अंदर होस्ट कितने हैं, इसके अंदर नेटवर्क कितने हैं, इसकी रिजल्ट बिट्स कितने हैं, एक किस क्लास में बिलोंग कर रहा है, वो कैसे करता है, कैसे पता चलता है, वो मैंने आपको हर एंगल से आपको समझा दिया है गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है गाइज। और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।